से आप सभी लोग आनी सॉप अच्छी हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ फुल रिव्यू MIUI 10 का, वो भी Redmi Note 4 में। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने इस मेरे Redmi Note 4 में इंस्टॉल किया है MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम। तो चलिए दोस्तों देखते रहते हैं इसका फर्स्ट लुक कैसा है। तो गाइस ये लीजिए, तो जिस तरह से आपको यहाँ पे ये वॉलपेपर मिलेगा। तो पहले से ही फीचर की बात कर लें यहाँ पे, तो क्लॉक का है जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक जो है वो काफ़ी छोटे से कर दिए हैं, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फिर यहाँ पे आपको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको थीम्स में मिलता था, तो अब ये आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा, जैसे मैंने लिखा है जयेश लकी। फिर यहाँ पे टाइमर में इतना कुछ नहीं है, जो पुराना जो होता है वही है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, फुल स्क्रीन जैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं एयरटेल का आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्वाइप करूँगा मैं, तो स्वाइप में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। MI होम, MI रिमोट, वॉलपेपर, पर्जल जो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं जल्दी से इसको स्क्रीन को अनलॉक। तो स्क्रीन को अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इंटरफेस मिलेगा आपकी स्क्रीन के सामने। तो पहले ही हम बात कर लेते हैं स्टेटस बार कैसे मिलेगा। तो ये देखिए स्टेटस बार जो है वो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलने वाला है इस Redmi Note के MIUI 10 में। जी हाँ बिल्कुल, MIUI 10 में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है लुक वाइज और काफ़ी मतलब बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये मुझे बुरा लगा क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स में जो है ये है, यहाँ पे नहीं टॉप में होने चाहिए, बट यहाँ पे रखा है एयरटेल वाला। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पहली लिस्ट में हमारे। तो पहला तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो वॉल्यूम्स का है, जैसे कि यहाँ पे मैं करूँगा वॉल्यूम अप, तो यू कैन सी आइस देख सकते हैं आप, कुछ वॉल्यूम अप में इस तरह से आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। वेट वेट, यहाँ पे तीन ऐसे आपको डोर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे तो ये रहा, यहाँ से आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए। तो इसमें साउंड काफ़ी डाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं साइलेंट कर रहा हूँ, पहला फीचर यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये साइलेंट। और अब मैं इसको फिर से साउंड में रखूँगा, सुनिए जी, आपने सुना होगा कि कुछ अलग सा यहाँ पे आपको इंटर मतलब कि ये साउंड देखने के लिए मिला है। ठीक है, और एक अपडेट आया जो है वो नोट्स में, तो नोट्स में आप देखेंगे तो नोट्स में आपको यहाँ पे एक और बटन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो आपको ये मिला है जिसमें आप बोलते बोलते रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी नोटिस, जो अभी यहाँ पे हो रही है नोटिस आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस अभी रिकॉर्डिंग हो रही है स्टार्ट, तो ये भी एक फ्यूचर आया है जो काफ़ी मेरे को बढ़िया लगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलने वाली है। ठीक है, तो ये फ्यूचर भी काफ़ी बढ़िया है। ओके, और ऑप्शन मिल जाता कि आप अनइंस्टॉल करेंगे कुछ भी ऐप, तो उसमें भी अलग सा साउंड आया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ अनइंस्टॉल, तो गाइस आप सुन पा रहे हैं, सुन लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए इसमें जो अभी यहाँ पे होगा अनइंस्टॉल का साउंड, तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो ये लीजिए एक मैक्स प्लेयर भी मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर रहा हूँ आपके लिए, तो नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ठीक है, तो सुनाई दिया होगा मेरे ख्याल से, तो ये भी एक साउंड आया है जो आप कुछ भी मतलब अनइंस्टॉल करेंगे तो साउंड के साथ आपको यहाँ पे एक मिलेगा। फिर अब बात कर लेते कैमरा की, कैमरे में प्रोटेक्ट मोड अभी तक नहीं आया है, तो सिंपल सा है प्रोटेक्ट मोड, जैसे कि यहाँ पर मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ आपके सामने ही मेरे जो है पावर बैंक की। ठीक है, तो ये रखा है मैंने पावर बैंक अपना, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ HDR में पिक्चर, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे ली है HDR में पिक्चर, तो देखते हैं कैसी आई है पिक्चर। तो कुछ इस तरह से आपको पिक्चर देखने को मिलेगी MIUI 10 की ये रोम में। तो इतना नहीं है, आप ऑप्शंस में देखेंगे तो सभी वही फीचर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसे कि है ये वाला जो ब्लर जैसा थोड़ा बहुत लगता है, जैसे कि इसको मैं बहुत आगे जाने दूंगा गाइस, तो ये लीजिए वेट, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, जो इसमें इतना बढ़िया नहीं है बट चलता है। तो प्रोडक्ट अभी तक नहीं है और इतने सारे फीचर नहीं आए हैं, जो सिंपल सा आपको MIUI 9 में मिलता था सेम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, फिर अब बात करें रीज़न बार की, तो ये काफ़ी चेंज है, जैसे कि यहाँ पे मैं गैलरी ओपन कर लूँ, म्यूज़िक ओपन कर लेता हूँ उसके लिए, व्हाट्सअप ओपन कर लूँ, ठीक है, ना जाने और भी जैसे कि यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, सेटिंग्स। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे मैं रीज़न बार खोलता हूँ, तो ये देखिए पूरा का पूरा बढ़िया लुक मिलता है आपको,
टॉप में आप देखेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगा कि कितनी जी बी आपकी रैम अवेलेबल है और वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ ऐप से आपके यहाँ पे रीजन बार कुछ इसी का सब मिलेगा। यहाँ पे आपको कैंसिल का है तो दोस्तों देख सकते हैं कैंसिल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो किस एनिमेशन के साथ यहाँ पे कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो इतना सब कुछ आया है, बट और एक बात कर लें वेदर ऐप की, तो ये रहा वेदर ऐप, तो इसमें कुछ इतना नहीं है, बस थोड़ा बहुत है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मिलने वाला है MIUI 10 में। अब बात कर लेते हैं सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स में वही आपको मिलेगा। अबाउट फोन में मैं आपको दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं आप 7.0 पे रन करा है, 2018 यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी नोट 4 है मेरा, यहाँ पे 7.0 पे रन कर रहा है 2018 MIUI 10 ग्लोबल 873 बीटा जी। बिल्कुल ये रहा MIUI 10 ग्लोबल 873 यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम अपडेट में, ये रहा MIUI 10। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का सा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वो फीचर तो मेरे को नहीं है, बहुत नहीं मिले, जो मिला है वो मैंने दिखाया है आपको सभी को, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए। सेटिंग्स में दिखा दूँ तो सेटिंग्स में इतना नहीं है, मेरे को तो नहीं लगा, सब सिंपल सा वही है सब कुछ। हाँ एक और फीचर भी आपको बता देता हूँ, तो जाएंगे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में कुछ अलग सा है, जैसे कि यहाँ पे है ये मेरे को मैसेज सेंड हुआ है, तो इसको जैसे मैं स्वाइप करूँगा ये चलने वाला है, जैसे इसको मैं ऐसे स्वाइप करूँगा तो यहाँ पे सेटिंग मिलेगी और टाइम का ब्लॉक आपको आइकन मिलेगा, तो उसमें आपको क्या होगा कि वो जितनी देर आपको रखना है उतनी देर वो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक घंटा है, 15 मिनट है, 30 मिनट है और 2 घंटे हैं, तो यहाँ पे 30 मिनट रखेंगे तो 30 मिनट तक ये हाइड रहेगी, और फिर इसको नहीं रखना तो आपको अनडू करना है तो यहाँ पे फिर से वापस आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है MIUI 10 में। जो है ये है आपके, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ डायल करेंगे, किसी को कॉल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एडेल के स्टोर में, तो यहाँ पे मैंने किया है इसको कॉल, तो कॉल स्क्रीन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो कुछ इस तरह से आपको कॉल स्क्रीन मिलने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी इसको यहाँ पे मिल रही है, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये, तो आप इसको बहुत ही बढ़िया ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक मिल रहा है। तो अब थोड़ा मतलब कि बेड इसमें क्या है, तो गाइस अब बेड क्या बताऊँ, मतलब कि बेड है थोड़ा बहुत, तो जैसे कि आपको यहाँ पे बता दूँ तो थोड़ा लेग हो रहा है, क्योंकि मैंने सुबह इंस्टाग्राम चलाया, 2-3 बार ओपन किया तो क्या हुआ कि वो फोर स्टॉप तो नहीं हुआ, बट वो अचानक बाहर निकल गया, तो ये जो प्रॉब्लम है वो हो रही है, कैमरा बहुत ही घटिया हो चुका है, तो मत कीजिए अभी फ़िलहाल इंस्टॉल, और आपको अभी करना है तो कर सकते हैं आप, और नहीं करना तो फिर रुक जाएँ, ग्लोबल बीटा जो है वो आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखा देता हूँ मैं ये कैसा फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर नहीं कि कैसा है, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप अच्छा है। इसका भी साउंड बेकार कर दिया MIUI 9 से, बहुत बढ़िया था, तो ये देखिए मैं इसको कर लाऊँ अनलॉक, सुन लीजिए गाइस सुन लीजिए, तो सुना ही नहीं देगा क्योंकि काफ़ी कम है साउंड जो है वो काफ़ी कम है, ये देखिए तो काफ़ी कम रखा है साउंड, क्या करें अब बढ़िया नहीं है साउंड। तो बस यही है फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और हाँ एक बात मैं भूल गया यहाँ पर आपको बताने के लिए, तो जाएंगे सेटिंग्स में आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन में आपको एक मिला है कि आप 16 तक पिन लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे शायद 14 लगाया, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाए हैं 14, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो 14 लगा सकते हैं जी, बिल्कुल 16 तक लगा सकते हैं आपको लगाना हो, तो मैंने 14 लगाए हैं, तो ये आपको अच्छा मिल जाता है, तो ये यूज़ कर सकते ही मत, मतलब कि आप वेट कर लीजिए, और अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखूँगा, और कैसे प्लेस करना है वो आपको मतलब अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो मैं तो बस यही फुल रिव्यू बताने वाला था कि क्या आपको इसमें मिलने वाला और क्या क्या आपको जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं कहूँगा इस वीडियो को प्लीज़ और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा तो ही कर दीजिए, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अगर अच्छा लगा तो मत कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे थीम्स और काफ़ी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ, थीम्स आपको मिल जाएगी, थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी थीम्स जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ गाइस। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को